वेलकम टू बैक माय चैनल्स दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वाइज़र के अंदर जो गैप है स्प्लेंडर का, इसे किस तरह ठीक किया जाता है। कई बार एक्सीडेंट होने के बाद में इस तरीके का गैप रह जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले खोलेंगे इस बाइक का वाइज़र। वाइज़र खोलने के बाद में फ्रेंड्स देखते रहे मेरे इस वीडियो को लगातार, और आप समझ जाएंगे किस तरह से ऐसा गैप जो हो किसी बाइक में तो ठीक कर सकते हैं हम सिर्फ अपने घर में सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ये वाइज़र को मैंने खोल लिया है दोस्तों। अब खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके जो कान होते हैं जहाँ ये हेडलाइट लगी होती है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वाइज़र खोलने के बाद, आप गौर से देखें। ये जो सामने आपको वाइज़र दिख रहा है, जो ये एक बोल्ट और पीछे 2 बोल्ट हैं, इसे आपने पकड़ लेना है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ धकेलना है। ऊपर की तरफ धकेलना, नीचे से पकड़ कर आपने इस तरह से दोस्तों, यहाँ से पकड़ कर ऊपर की तरफ आपने इसे खींचना है। जैसे आप उसे हल्का सा ऊपर खींच देंगे तो गैप जो होगा वाइज़र का वो अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऊपर इसको हल्का सा दबा खींच लिया है, खींच इस तरह से। अब खींचने के बाद में इसे अब इसका वाइज़र लगाते हैं, और वाइज़र लगा के देखते हैं क्या इसका गैप जो है वो कम हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका गैप जो है वो कम हो चुका है। अगर इस तरह से आपके किसी बाइक का वाइज़र लगा रहे हैं और गैप हो इसके मीटर के और इसके बीच में, तो आप इस तरह से स्ट्रिक के द्वारा इस गैप को दूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और एक लाइक जाते जाते जरूर दे दें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह से नई वीडियो ला। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, प्रॉपर तरह से वाइज़र फिट हो चुका है, इनमें बिल्कुल कोई भी गैप नहीं है।